लोकसभा चुनाव में जिस तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्रदर्शन किया, अब उसको लेकर मंथनों का दौर चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले कार्यसमिति की बैठक हो रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने यहां सीधे तौर पर कहा कि अति आत्मविश्वास का खमियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए अति आत्मविश्वास में ना रहे, कार्य करें, जनता के बीच जाएं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं, वो आंकड़े भी रखे और ये भी आश्वस्त किया कि आगे भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और वो अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया।